एक मिनट प्लीज। कहीं ना कहीं शबीर ठीक ही था। अंगद मेरी ही गलती की वजह से मुझसे दूर हुआ है। उसे वापस लाने के लिए मुझे ही पहल करनी होगी। ये अंगद का फोन अनअवेलेबल क्यों आ रहा है? अंगद हो कहाँ सकता है? ओ गॉड, 8 बज गए। मुझे निकलना होगा। That's it, please. बट मैम, आपका काम तो बस खत्म होने वाला है। बस आपके खाली क्लोज बाकी है। मेरा काम खत्म हो गया। 8 बज गए। मैंने आपको 8 बजे तक का वक्त दिया था। मेरी दूसरी भी मीटिंग्स हैं। बट मैम प्लीज। I'm really sorry. देखिए मुझे कहीं और भी जाना है। That's it. मैं जा रही हूँ। मैम सुनी तो। मैम प्लीज। मैम ये क्या है? कुछ खास नहीं। कैंडी फ्लॉस के लिए नया फुटेज मिला है। सुपर सिंगर कृपा सेट पर क्या एटीट्यूड दिखाती है, काम बीच में छोड़कर चली जाती है। इस नाइस फुटेज। बट कैंडी फ्लॉस क्या है? न्यू बज इन टाउन। जस्सी हो या पार्वती, फिर हर पेस्ट्री के स्टार, कंट्रोवर्सी या टबू। अगर आप में है जिगर सुनने का, जानने का, तो हर शुक्रवार 11 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। मैम कृपा जी सुनिए ना प्लीज। मैंने कह दिया ना आपसे, मैं नहीं कर सकती। मतलब मैं नहीं कर सकती। प्लीज जाइए आप। मैम प्लीज जरा बात सुन लीजिए प्लीज। अंगद, तुम यहाँ मेरे लिए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारा काम खत्म होगा और मैं अपना काम शुरू करूंगा। काम? I'm sorry मिस्टर अंगद खन्ना, आपको वेट करना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए सर, आपका काम पूरा करते हैं। आप प्लीज ड्रेस चेंज कर लीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। Oh God. I'm really sorry अंगद, मैं नहीं जानती थी तुम नीचे शूट कर रहे थे। हाँ, मैं हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारा वक्त तो बहुत कीमती है ना। You're a star, you see. I'm sorry, वैसे भी आपका वक्त तो बहुत कीमती है। आप किसी आरे-गरे मॉडल के साथ ऐसे बात करके अपना कीमती वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? आपके पास तो और भी बहुत काम होंगे ना। मॉडलिंग? कोई नया एल्बम कर रहे हो? नहीं, एक नए प्रोडक्ट का शूट था। अंगद, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें... मैं समझता हूँ कि सारी बातें तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। अंगद, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हें एक नया असाइनमेंट हम साथ। स्टॉप इट कृपा। ये असाइनमेंट मुझे खुद अपने बलबूते पर मिला है, अपनी काबिलियत की वजह से मिला है, किसी की सिफारिश से नहीं। वैसे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कहीं ये तो नहीं कि मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ? मुझे तुम्हारे असाइनमेंट करने से क्या प्रॉब्लम होगी? देखो मैं अपना काम संभालना जानता हूँ। So just let it be, okay? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे तुम्हारे काम करने से कोई? मुझे क्या लगता है क्या नहीं? I don't think you're really interested in that. मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपना काम खुद देखूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और इस वक्त मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये फोटोशूट अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी किसी का इंतजार नहीं कर सकता। हर बार की तरह तुमने आज भी मुझे गलत समझा। मैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। अरे अगर मुझे पता होता कि तुमसे मिलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी तो कभी ऐसा नहीं करती, कभी भी नहीं। मैडम वो गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन शायद अभी थोड़ा टाइम लगेगा। गॉड, पर अब हम सुनो, ये लो मेरी गाड़ी की चाबी। जी सर। ड्रॉप कर दो उन्हें। जी सर। इतना ख्याल है मेरा कि मेरी खातिर पैदल चल सकते हो, फिर इतने नाराज क्यों कि मेरे साथ नहीं चल सकते। मैं और 10 मिनट तक हूं, चाहो तो अपना काम खत्म कर लीजिए। कितनी बदल गई है कृपा, जो कल तक दूसरों के लिए खुद हर तकलीफ सह सकती थी, आज उसमें इतना एटीट्यूड आ गया है कि दूसरों के वक्त की कदर ही नहीं उसे। इतना तेजी से गाड़ी क्यों चला रहे? स्ट्रेंज मैन। डैड फोन क्यों नहीं उठा रहे? अंगद, इतनी रात गए, क्या बात है? मॉम, मुझे डैड से बात करनी। वो तो नहीं है? मॉम, यू मस्ट टेल डैड। वो बहुत तेज गाड़ी चलाने लग गए। रियली, आज मैं उनकी गाड़ी के नीचे आने वाला था। What? Yeah, he was driving too fast. नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे डैड तो पुणे में है। हाँ, इनफैक्ट आज रात को आने वाले थे लेकिन कोई काम से अटक गए हैं, इसलिए आज आए नहीं। सब ठीक है ना? आई एम श्योर तुम्हें गलतफहमी हुई है। आई थिंक सो टू। ऑलराइट, गुड नाइट। गुड नाइट। आई एम श्योर कि वो कार डैड की थी, पर मॉम कह रही है कि वो पुणे में है। ये सब क्या है? डैड अगर पुणे में है तो उनकी कार, कुछ समझ में नहीं आ संगीत भी प्यार की तरह अपना होता है। जिस तरह लाख मुश्किलों में भी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ सकता, उसी तरह तुम भी संगीत को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा म्यूजिक ही तुम दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आया है। उसने तुमसे पहले तुम्हारे म्यूजिक से प्यार किया। Yes, Mr. Gupta. Hello, Angad. Can you come to my office for some time? आ सकता हूँ, लेकिन क्या कोई खास बात है क्या? No. ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपसे बैठकर कुछ बातें डिस्कस करनी थी। Okay, I'll be there. I hope you enjoyed the photo shoot, Angad. In fact, you did quite well. बस अब प्रमोशन प्लान करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ आउटडोर शूटिंग्स होंगी and you will be part of that. I guess that's okay with you. वो सब तो ठीक है मिस्टर गुप्ता, लेकिन एक्चुअली ये सब मैंने काफी अरसे से किया नहीं है, तो you know. Relax, man, Angad. What's wrong with you? मुझे लगता है कि तुम खामखा इस बात की टेंशन कर रहे हो। और अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो हम हैं ना सॉल्व करने के लिए। बस तुम इस काम का कोई प्रेशर मत लिया करो। एक बार प्रोजेक्ट प्लान आ जाए तो हम आपकी डेट्स फाइनलाइज करेंगे और काम शुरू करेंगे। डेट्स तो हमें भी आपकी चाहिए। मिसेस मित्तल, हाउ आर यू डूइंग मैम? वेरी वेल, थैंक यू। आई विल कैच अप विद यू गाइस लेटर। ऑलराइट, बाय बाय। कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। इनवाइट? होली पार्टी। Actually we having a होली पार्टी at my place this year. और मैं चाहती हूँ कि तुम कृपा को साथ लेकर आओ। मिस्टी, I'm not sure. Come on Angad. मैंने कहा था ना, मैं अपना दोस्त नहीं खोना चाहती। और फिर होली पर तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते है ना? क्या तुम हमारी दोस्ती को एक मौका भी नहीं दोगे? और मैं कृपा से भी मिलना चाहती हूँ। And what better occasion than Holi? Okay. Wish you the same. Happy Holi, Karthik. ये अंगद कहाँ चला गया?